ठीक है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि तुम लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होगे। आज मैंने ऑर्डर किया हुआ है अपने कैमरे का ये स्क्रीन गार्ड, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये मैंने मंगाया हुआ है फ्लिपकार्ट से और ये मुझे पड़ा हुआ है 265 रुपये का। तो चलो आपको दिखाता हूँ कैसा है। तो ये आप लोग देख सकते हो, सिर्फ इतना सा है, इतना सा मुझे पड़ा है 265 रुपये का। ठीक है, तो इसमें मुझे दो ग्लास मिला हुआ है। ठीक है, आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ये आप लोग देख सकते हो, ये मेरे कैमरे का है और इसमें ये साफ़ करने वाला है। बाकी ये जो लेंस है, स्क्रीन गार्ड, ये मुझे दो स्क्रीन गार्ड मिला हुआ है। तो चलो अभी मैं चल रहा हूँ इसको इसमें इंस्टॉल करने चल रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ कि लगने के बाद कैसा दिखता है। ठीक है, और ये भी जो मैं शूट कर रहा हूँ ये अपने छत पर शूट कर रहा हूँ, ताकि आवाज़ जो है नीचे की, मतलब ताकि घर की आवाज़ ना आए। ठीक है, इसलिए मैं ऊपर शूट कर रहा हूँ। चलो आपको दिखाता हूँ। तो चलो फिर भाई आप लोग को लगा के दिखाता हूँ कि कैसे लगता है देखने के बाद। चलो इसको साइड में रखते हैं और एक ग्लास जो है मैं इसके अंदर डाल देता हूँ। ठीक है, तो चलो फिर, ये है ग्लास और यह है इसका साफ़ करने वाला, मतलब क्लीनर है ये, टाइप से बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आया, देख सकते हो ये है क्लीनर। इसमें भी भाई दो क्लीनर मिला हुआ है, एक ये देख सकते हो, रिमूव मी नॉट फॉर मेडिकल यूज ओनली फॉर क्लीनिंग पर्पज़। ठीक है, ठीक है, तो एक को रखते हैं साइड में। ठीक है, ये दोनों मैंने निकाल लिया है। अब निकालते हैं कैमरा अपना। तो ये रहा मेरा कैमरा, ये रहा भाई मेरा कैमरा, आप लोग देख सकते हो कुछ इस टाइप का कैमरा है। और चलो अभी इसको क्लीन करते हैं, पहले सबसे पहले तो इसको हमें क्लीन करना है। तो एक बार आपको लगा के दिखा देता हूँ। तो ये जो है कुछ इस टाइप का लगेगा, ये यहाँ पर ऐसे लग जाता है, ये आप लोग देख सकते हो, ये है इसका गार्ड। ठीक है, स्क्रीन गार्ड ये ऐसे कुछ लगेगा, ताकि कोई स्क्रैच वगैरह ना लगे। सबसे पहले इसको निकालते हैं। इस टाइप का भाई ये क्लीनर है, एकदम छोटू सा। ठीक है, चलो सबसे पहले इसको साफ़ करते हैं इससे। ये थोड़ा गीला है भाई, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि इसमें पानी लगा हुआ था। ये देखो, मुझे लगता है कि ये एक ही बार यूज़ करने पे भाई एकदम बेकार हो जाएगा, दोबारा अपने काम में नहीं आने वाला। एकदम क्लीन हो गया है। ठीक है, अभी दूसरा वाला देख लेते हैं वो क्या था। तो भाई मैंने इसको जैसे फाड़ा तो इसमें निकलता है एक और कागज़, जो कि हमें मिलता है ये क्लीन करने के लिए। देखो कहाँ गया पहला वाला ये है, ये एकदम गीला सा रहता है और ये एकदम साफ़ रहता है, मतलब सूखा सा। तो इससे मेरे ख्याल से इसको क्लीन किया जाता है। ठीक है, देख नहीं रहा अभी क्या करते हैं। सबसे पहले इसका लिए निकालते हैं स्क्रीन गार्ड। तो सबसे पहले इसका भाई ऊपर का निकालते हैं कवर। मेहनत के साथ मैंने इसका भाई ये ऊपर का पन्नी निकाल लिया है। तो चलो फिर इसको यहाँ से ऐसे इसको निकालते हैं और ये है हमारा एकदम क्लीन स्क्रीन गार्ड। तो इसका लेंस जो है भाई मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि लेंस से मुझे हो रही है दिक्कत। मैं इसका लेंस साइड में रखता हूँ और अभी इसको जो है बंद कर देता हूँ, इसका कैप लगा देता हूँ एक मिनट। नीचे और भाई ये लगाना है मुझे कुछ इस टाइप में। तो भाई ये भाई मैं भी पहली बार ही सेट कर रहा हूँ, मुझे भी उतना पता नहीं है, शायद इतना सही है ना, है ना, एकदम परफेक्ट बैठा है भाई। चलो फिर इसको दबाते हैं और आप लोग देख सकते हो ये कुछ इस टाइप में भाई ये दब रहा है, ये आप लोग देख सकते हो ये फैल गया और ये लग चुका है भाई। तो इसको अपने हाथों से मैं थोड़ा ऐसे रगड़ देता हूँ, कोई बबल वगैरह ना रह जाए। भाई इसको क्लीन करते हैं फिर से, आप लोग देख सकते हो। तो ये कैमरा कुछ इस टाइप का मेरा दिख रहा है, इसके ऊपर स्क्रीन मैंने लगा दी ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। ठीक है, तो स्क्रीन लग के तैयार हो गई है। तो भाई मैंने अभी भी चेक किया, इसमें एक जो है छोटा सा, मतलब ऐसे धागा स्ट्राइप में था, ये यहाँ पर जो है इसके अंदर में भाई घुसा हुआ है। तो इससे मैं इसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई है, लेकिन फिर भी इसको निकाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो। अरे यार
ये भाई क्लीन करने के लिए था जो मैंने आपको पहले निकाल के दिखाया, निकल गया। तो भाई स्क्रीन लग चुकी है, ठीक है। अभी आपको इसको चालू करके दिखा देता हूँ कि कैसे लग रही है। यहाँ पर ये देखो, ये स्क्रीन कुछ इस टाइप की दिख रही है, देखो एकदम परफेक्ट है भाई, देख रहे हो ये, ठीक है। तो अभी मैंने लेंस वेंस निकाल लिया इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बाकी लेंस देख सकते हो कुछ इस टाइप का लगा हुआ है इसमें, देखो। अभी इसको ऑफ कर, तो भाई आप लोग देख सकते हो स्क्रीन लगने के बाद मेरा कैमरा कुछ इस टाइप का दिखता है, ठीक है। ये मैं हवा में उड़ा के दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को एकदम क्लियर दिख जाए, क्योंकि अभी तक मैं अपने स्टैंड पे दिखा रहा था आप लोग को, ठीक है। तो मैंने सोचा कि आप लोग को कुछ इस टाइप में दिखा दूँ। इसको रखता हूँ नीचे, उठ रहा था वो मैं अपने छत पर कर रहा था, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो मेरा जो कैमरा है वो फोकस नहीं ले रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। मुझे बहुत दिक्कत आ रही है इस पर ब्लॉगिंग करने में और वीडियो वगैरह बनाने में। तो चलो फिर ठीक है, अभी कुछ दिन बाद मैं अपना एक दूसरा फ़ोन लूँगा, तो अभी इसी से ही काम चलाता हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना बजट भी नहीं है कि मैं दूसरा फ़ोन परचेस करूँ, क्योंकि अभी इतना महंगा यही ले लिया तो क्या करूँ। तो बस आप लोग को दिखाना था कि स्क्रीन इसमें लगती कैसी है, और मैंने फ़र्स्ट टाइम किसी चीज़ में स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है, मैंने अब तक अपने फ़ोन में नहीं लगाया हुआ है, तो फर्स्ट टाइम मैंने जो है अपने कैमरे में ये स्क्रीन गार्ड लगाया हुआ है। तो सही लगी है वैसे, ठीक है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं है। तो चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मैं अपने छत पे शूट कर रहा हूँ और भाई पैर बहुत ज़्यादा जल रहा है, धूप देख रहा, कितनी तेज़ धूप है, मुंह भी पूरा पसीना वगैरह, देख रहा धूप बहुत ज़्यादा तेज़ है। मैं अपने छत पे शूट कर रहा हूँ, चलो फिर इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि तुम लोग को मज़ा आएगा, तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।